नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुधवार को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। अजित ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में फैसला हुआ था। इधर दोनों गुटों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। अजित पवार गुट ने आयोग में एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए पत्र भेजा है। वहीं शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी आयोग से अजित समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इससे पहले मुंबई में अजित पवार ने सुबह 11 बजे और शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बैठक की। अजित ने शरद की उम्र पर तंज कसा तो चाचा ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने भी भाई के बयान का जवाब देते हुए कहा, अमिताभ बच्चन और वॉरेन बफेट की उम्र देखो, एनसीपी का एक ही सिक्का है शरद पवार। शरद, अजित और सुप्रिया सुले का बयान और एनसी में दिन भर की हलचल रही। वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजित पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपकी गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आज की बैठक ऐतिहासिक है। देश का ध्यान इस पर है। अजित की भूमिका देश हित में नहीं है। मैं सत्ता पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। प्रधानमंत्री जब बारामती आए थे उन्होंने कहा था कि देश कैसे चलाना चाहिए, यह मैंने पवार साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा था कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। अगर ये भ्रष्टाचार है तो आपने उन्हें साथ में क्यों लिया? जो मुझे छोड़कर गए हैं उन्हें विधानसभा में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं ने इनके लिए मेहनत की, उनके लिए अफसोस है। जो विचारधारा पार्टी की नहीं है उनके साथ जाना ठीक नहीं है। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजित पवार गुट ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। हमें सत्ता में लाने वाले लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ थे। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजित पवार खोटा सिक्का निकला। वो लोग मेरे फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो मुझे देवता भी कहते हैं और मेरी बात भी नहीं मानते। जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनका इतिहास याद करो। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।